जम्मू के बक्शी नगर में एक हादसा पेश आया है। यहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है अखनूर पुलिस द्वारा कि अखनूर में एक शख्स ने सुसाइड किया है और उसकी जब बॉडीज की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक चाबी मिली। चाबी में होटल पीआर का जो है लोगो लगा हुआ था और उस पर 105 लिखा गया था। जब अखनूर पुलिस ने बक्शी नगर पुलिस को सूचित किया तो पुलिस होटल पीआर के रूम नंबर 105 में आई और यहाँ पर जैसे ही रूम खोला तो यहाँ पर एक 70 वर्षीय महिला का भी शव मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इलाके की SP को भी बुला लिया गया। SDPO मौके पर है और पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर महिला के जो शव की जो है उसकी शिनाख्त की फोटोग्राफी की है और यहाँ से अब जो बॉडी है महिला की इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। बताया जाता है कि महिला पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और GMC में एडमिट थी और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि उनका उपचार नहीं हो पाएगा। तो महिला के बेटे ने जिसका शव अखनूर में मिला था, जिसने बताया जा रहा है कि सुसाइड की है, उसने इस होटल के रूम नंबर 105 को बुक करवाया था और अपनी मदर को यहाँ लेके आया था। जो युवक है वो खुद तालाब तिलो का रहने वाला है, अपनी फैमिली के साथ रहता था और अपनी मदर को वो GMC सीधा यहीं ले आया था और उसके बाद वो अखनूर जाता है और वहाँ पर सुसाइड कर लेता है। दो जो है वो मृत्यु हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि युवक की जो पत्नी है, जो महिला जिनके ऊपर शव मिला है, उनकी बहू भी मौके पर है। हमने उनसे बात की, उन्होंने जो तर्क बताया वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जिसमें कि वो साफ तौर पर ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि क्यों जो उनके पति ने होटल में रूम बुक कराया बजाय अपने मदर को घर ले जाने के। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो होटल PR में जो पूरी घटना पेश आई है, ये महिला है, इन्हीं के जो हस्बैंड है उन्होंने पहले सुसाइड किया अखनूर में। क्या हो गया था उनको, मतलब इनकी माँ बीमार है, कोई एडमिट नहीं कर रहा था उनको, भी पता नहीं क्या कीड़े चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है कोई। उन्होंने बड़ी हॉस्पिटल में बात किया, डॉक्टर कहते हैं आप घर भी लेके नहीं जा सकते क्योंकि आप घर इसलिए इन्फेक्शन हो जाएगी, जैंडस उनका बॉर्डर लाइन में, कह रहे किडनी डैमेज हो गई है, लीवर डैमेज, मेरे हस्बैंड ने जो बात मुझे बताई। नहीं, आपकी सास बीमार थी लेकिन बेटे ने सुसाइड की उनके, वो बेटे ने इसलिए कि माँ की टेंशन में कि माँ मेरी मेरे को छोड़ के जा रही है, मैं जी नहीं सकता। तो क्या वजह थी, उन्होंने होटल में क्यों कमरा लिया, आप तो तालाब तिलो में रहते हैं। मुझे कहते हैं मैं उधर ही हूँ, हॉस्पिटल में हूँ मैं। कहाँ एडमिट थी सास आपकी? वो ये GMC बक्शी नगर में। GMC बक्शी नगर, तो वहाँ से डिस्चार्ज लिया होगा? डिस्चार्ज मेरे को वो लेके जाते कोरोना ना, इसलिए बच्चे को मैं घर पे ही थी, कहते कि मैं सुबह आऊँगा 5 बजे, तो मैं अलार्म लगा रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है फ़ोन नहीं किया मैं 5 बजे से उनको 11 बजे तक फ़ोन कर रही हूँ, मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे वो। लास्ट टाइम कब बात हुई थी हस्बैंड? मेरी रात को 11 बजे, कहते मैं सोने लगा हूँ तो मैं सुबह मम्मा को वो आऊँगा मिलके तेरे पास, उसके बाद आए नहीं और मेरे से बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने बड़ी बार फ़ोन किया उनको। पहले आपके हस्बैंड जो हैं वो यहीं बक्शी नगर में ही रहा करते थे, उसके बाद आप तालाब तिलो गए, तो कुछ कोई वो वजह थी कुछ जहाँ से शिफ्ट होने की? नहीं नहीं, ऐसे ही वो डैडी थे ना जो पापा उनके, उन्होंने ये घर बेच दिया था ना। काम क्या करते थे आपके हस्बैंड? वो कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, उनके ऑपरेशन हुए। तो आपको कब पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? एक अंकल आए थे मोहल्ले के, मैंने यकीन नहीं किया, उन्होंने बोला। कितने बजे बताई थी बात? आज ही बताई थी? हाँ जी। उसके बाद यहाँ के लिए कैसे पता चला कि आपको यहाँ पे होटल PR? नहीं, ये मैं उनके लिए आई, उनकी डेड बॉडी के लिए मुझे बुला रहे हैं ना, कहते हैं एक रिश्तेदार चाहिए, पर कोई भी इकट्ठा नहीं हो रहा है उनकी डेड बॉडी उठाने के लिए। आपकी सास कब से बीमार थी, कितने टाइम से? ये तो काम ठीक ठाक रहते थे, अचानक से वो टांग में उनके स्वेलिंग आई, डॉक्टर को भी दिखाया हमने अखनूर में, तो वो कह रहे हैं ये इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनको अगर इंजेक्शन लगाए दोनों ने बैक पे, तो कहते ऐसे इनको रहने दो, चलने फिरने दो इनको, मतलब वो पहले भी 6 महीने पहले भी गिरे हुए थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड को अपनी मदर का दुख था, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया? हाँ, हमसे तो बड़ा प्यार करते थे, बेटे से भी। अपने क्या नाम था आपके हस्बैंड का? उनका पंकज आनंद। पंकज आनंद, अच्छा, कुछ नहीं करते थे। अभी आपने ऊपर जाके देखा, जब पुलिस, आपने भी जाके देखा? हाँ। क्या, तो क्या लगता है सास उनकी डेथ हुई है या इनको? उनकी डेथ हुई है क्योंकि वो बीमार थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे मैं पैसा लगाने को भी तैयार था लेकिन माँ मेरी ठीक नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। लेकिन इस चीज़ का कुछ तर्क आपको, कुछ कन्फ्यूजन भी हो रही है कि होटल में क्यों ले आए वो बजाय घर ले जाने के, घर क्यों नहीं ले गए? मुझे ये लगता है कि मम्मा की हुई है पर उन्होंने सुसाइड किया है कि किसी ने कुछ उनको कुछ दिया है शायद, पता नहीं, अब मेरे को इसका नहीं पता। आप क्या नाम लिखते हैं? सुसाइड नहीं कर सकते वो। मेरा नाम भावना, कोई उनके साथ था यहाँ पे, एक अंकल भैया पता नहीं कोई थे उनके, मेरे देवर जी या कोई थे, वो कहाँ गए? ये भावना जी हैं और इन्हीं के पति ने सुसाइड की थी, तो उनकी जब जेब से जो की मिली उस की से पता चला कि वो होटल PR में रह रहे हैं और PR के रूम नंबर 105 में। जब पुलिस ने दूसरे यहाँ के पुलिस स्टेशन से बात की तो
पुलिस यहाँ पर आई, उन्होंने जब होटल का कमरा खंगाला तो जो शख्स हैं उनकी मदर भी एक्सपायर, उनकी 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 भी डेथ डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। बहू थी उनकी, उन्होंने ये बताया कि जो सास थी बीमार थी, जीएमसी में एडमिट थी और हॉस्पिटल ने उन्हें जवाब दे दिया था, लेकिन ये खुल के सामने क्लियर नहीं हुआ कि उनका बेटा उनको होटल पीआर में क्यों लेके आया, जबकि जो फैमिली थी उनका अपना घर तालाब किलो में था, वहाँ ये लोग रहते थे, और बेटे ने रूम बुक कराया, अपनी मदर को यहाँ लाया और वो अखनूर में जाकर सुसाइड कर लेता है। पूरे इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि आखिरकार वजह क्या थी कि बेटे ने क्यों सुसाइड की और मदर की डेथ कैसे हुई। हालांकि एसपी नॉर्थ मौके पर हैं, इलाके के एसडीपीओ भी मौके पर हैं, पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है और इस मामले की जाँच जो है वो बड़ी कड़ाई से की जा रही है।